वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं एक नई जगह जो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसी कोई जगह पहले नहीं गई हूँ। और ये कोई हिल स्टेशन या कोई साइट सीइंग वाली प्लेस नहीं है, बट दिस इज़ वेरी पॉपुलरली नोन एज ईशा फाउंडेशन, जो कि है एक्चुअली ईशा योगा सेंटर सदगुरु जी का। जो भी सदगुरु जी को फॉलो करते होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पर आए हैं फ्रॉम बैंगलोर, ऑलमोस्ट 7 to 8 hours का बस जर्नी करके, जो कि था बैंगलोर टू कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में एक नियर बाय स्टेशन के ही बस स्टॉप पे हमें रुकाया गया था। फिर वहाँ पे हमने उतर के बस चेंज की, हमने एक गवर्नमेंट बस ली टूवर्ड्स ईशा फाउंडेशन। तो ईशा फाउंडेशन भी बहुत पॉपुलर है कोयम्बतूर में, आपको इजीली बस मिल जाएगी वहाँ पे, किसी को भी पूछोगे तो। बस के चार्जेस लगे थे कुछ 40 to 50 rupees पर पर्सन। द राइड वॉज वेरी नाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल जो साउथ इंडिया का जो वाइब है वो आया है यहाँ पर। तो हम वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन हमें जाना था अपनी स्टे वाली लोकेशन पे। तो हमें यहाँ से थोड़ा फिगर आउट करने में थोड़ी परेशानी हो गई थी, क्योंकि वो जो मैप के हिसाब से जो लोकेशन का डिस्टेंस आ रहा था वो हमें दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमें काफ़ी सारा लोगों से बात करने के बाद एक ऑटो वाले मिले, जिन्हें उस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा वेगली आइडिया था, और उन्होंने हमसे 300 या किसी की डील की और हम फिर गए इस तरीके से बैठ के। बट मज़ा तो आया, आगे पीछे बैठे थे उल्टे सीधे, जैसी जगह मिली वैसे बैठ गए थे हम लोग, और बट मज़ा आ गया था। फाइनली पहुँचे हैं, ये है हमारा स्टे लोकेशन सुंदर सा, जिसे उन्होंने फार्म हाउस बताया। और फिर हम गए हैं रात को, इवनिंग को मतलब, जो ईशा फाउंडेशन में ये हम गए थे 31st of December। तो उस दिन एक स्पेशल इवेंट था वहाँ पे और सदगुरु जी आने वाले थे, तो यस हमें सदगुरु जी के लाइव दर्शन मिले। Really bad. Even a hospital bed looks very tough. You need oxygen. Otherwise, it won't breathe. So it's very important. The body has a problem. Body is not a problem. लाइट शो एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर के लिए अगेन वहाँ पर अंदर कुछ ईटिंग आउटलेट्स हैं, यस डिनर वगैरह किया हमने। डिनर के बाद वहाँ पे कुछ मेडिटेशन प्रोग्राम्स भी थे, जिसके लिए अगेन बहुत क्राउड था और बहुत लाइन वगैरह लगी थी, तो हमने उसे स्किप कर लिया और हम आ गए बैक टू आवर रूम्स। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सनराइज एक्सपीरियंस करने के बाद, फ़ोटो शोटो क्लिक करने के बाद, ब्रेकफास्ट करके हमने करना था चेकआउट। चेकआउट करके हमने अपनी जो सेम ऑटो है जिन्होंने हमें छोड़ा था इस लोकेशन तक, उनसे ही लिया ऑटो फिर से, और हम फिर से ईशा फाउंडेशन वाले स्टॉप तक गए। तो घुमाई फिराई के बाद अब हो गया था हमारा घर जाने का वक्त, जिसके लिए हमें बैक टू ईशा फाउंडेशन बस स्टॉप आना था। और वहाँ पे इतनी रश थी और इतना कंपटीशन था वो बसेस लेने के लिए कि हमने तो डेफिनेटली 2-3 buses मिस कर दी। फिर उसके बाद एक बस में हमने तो डिटरमाइन कर लिया कि अब चढ़ना ही है, और हम चढ़े और हमें कुछ सीट्स मिली, तो हमने मैनेज कर लिया आपस में शेयर वेयर करके। एंड देन हम पहुँचे कोयम्बतूर बस स्टॉप, फिर वहाँ से हमने रिटर्न आने के लिए
कैब कर ली एक्चुअली, क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन आई थिंक बस लेना विल बी मोर इकोनॉमिक और मोर कंफर्टेबल, क्योंकि 7-8 आवर्स का जर्नी है तो आप आराम से सो के जा सकते हैं।